सुबह के 8:30 बजे पहुंचाना था और रात के हम लोग पहुंचे हैं 9 बजे करीब। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो दोस्तों, बहुत ही दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि कहीं आना जाना नहीं हो रहा था और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, तो उस हिसाब से शूट ही क्या करता। तो बस हम लोग जा रहे हैं, फुल फैमिली का प्लान बनाए कहीं घूम के आते हैं, तो बस जा रहे हैं घूमने। तो बस मतलब 4-5 दिन का टूर है, उस हिसाब से मस्त ये पैकिंग वैकिंग हो गई है। 3-4 बैग फैमिली के लिए, पूरे सबके अलग अलग बैग हो गए हैं, तो मस्त अब चलेंगे। एक तो रिजर्वेशन करवाए थे ट्रेन में, हम लोग की ट्रेन है सतना से, तो मस्त सतना पहले चलेंगे, फिर वहाँ से अपन सीधे पहुँचेंगे उस जगह जहाँ जा रहे हैं। हम लोग हो चुके हैं सब रेडी, बैग पूरे पैक अच्छे तरीके से, एक सामान रख लिया है, बस हम लोग को निकलना है। इसके लिए हम लोग बस से जा रहे हैं, तो बैठेंगे बस स्टैंड से। तो बस अब हम लोग, मैं, दीदी, मम्मी यहाँ से निकलेंगे और पापा हमको आगे से मिल जाएंगे। तो फिर चलो बस चलते हैं। गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं सतना और अब करेंगे थोड़ा ट्रेन का वेट कब तक आएगी। गाइस, ट्रेन लेट हो गई है 3 घंटे और बैठे हैं सतना के वेटिंग हॉल पे। बहुत ज़्यादा ठंड है और ट्रेन का वेट कर रहे हैं, कब आएगी, कब जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर। फाइनली अब ट्रेन आने वाली है, तो हम लोग निकल रहे हैं अब अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, 2 नंबर पे आ रही है ट्रेन। अभी तक वेटिंग हॉल में बैठे, तो और ट्रेन मेन बात हो गई है 4 घंटे लेट, 4 से 5 घंटे लेट हुई ट्रेन और बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई थी और ठंड अलग है बहुत तेज़। तो अब जा रहे हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म में। बहुत ही तेज़ ठंड है और बहुत ही तेज़ फॉग है, इतना ख़तरनाक फॉग है ना, मतलब सामने वाला अच्छे से दिख नहीं रहा। ट्रेन खड़ी है सामने, मतलब मालगाड़ी, इसको भी अच्छे, मतलब ये भी अच्छे से नहीं दिख रही, इतनी ख़तरनाक फॉग, इतनी तेज़ ठंड है यहाँ पे आज। गाइस, फाइनली ट्रेन आ चुकी है और हम लोग ये बैठे हैं। अब क्या है कि सब लोग अपनी अपनी सीट अभी जमा रहे हैं, तकिया वकिया जमा रहे हैं, इसलिए सबको जमा रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली आई है घूमने के लिए, तो हम लोग 4 लोग हैं, तो हम लोग आराम से करेंगे, इसलिए सामान वामान सब रख दिया है। अब बैठे हैं, चादर वादर कम्बल वम्बल सब आराम से बिछा के सो जाएंगे बस। गाइस, आज लेट हो चुकी है ट्रेन बहुत तगड़ी वाली। फाइनली मतलब 15 घंटे लेट थी हमारी ट्रेन, 15 घंटे लेट, सुबह के 8:30 बजे पहुंचाना था और रात के हम लोग पहुंचे हैं 9 बजे करीब। गाइस, तो ये है छोटा सा रूम अपना, पापा यहाँ बैठे हैं और ये छोटी सी बालकनी हो गई। गाइस, तो फाइनली पहुंच चुके हैं वृंदावन और अपने रूम में, मतलब ये रूम पहले बुक किया था, 3 बेड वाला है, क्योंकि यहाँ पे 4 बेड वाले रूम एक तो सब बुक हो चुके थे, 2 महीने पहले बुकिंग करनी थी और आश्रम वाश्रम सब फुल हो गए थे, इसलिए ये रूम हम लोग को पहले मिला था, तो हम लोगों ने ये बुक किया। और अच्छा छोटा सा रूम है, क्यूट सा रूम है और एसी वेसी भी लगा, ठंडी में क्या एसी, और छोटी सी बालकनी है। तो गाइस, अभी हम लोग खाना खा के आए हैं और हम लोग क्या है, लेट पहुँचे थे तो लेट खाना वाना खाया, बहुत भीड़ थी, खाना खाने बहुत टाइम हो, यहाँ पे गाने बज रहे हैं, न्यू ईयर पार्टी हो रही है, क्योंकि 12 जस्ट अभी बजे हैं, जस्ट अभी बजे हैं और बहुत तेज़ ठंड है। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं वृंदावन और खाना पीना खा के सब फुर्सत हो गए और ठंड बहुत तेज़ है, तो हम लोग सोचे हैं कल से
चालू करने का, घूमने का, जैसे परिक्रमा लगाएंगे, वृंदावन परिक्रमा और गोवर्धन परिक्रमा, मंदिर के दर्शन करेंगे, ये सब कल से चालू करेंगे, कल सुबह से। तो चलो अब सोते हैं और मिलते हैं अपन अगली वीडियो पे, अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, और दोस्तों राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सभी को।